मोदी कह रहे हैं, जिन्होंने भारत माता की तरफ आंख उठाकर देखा था उन्हें वो सबक सिखा कर गए। राहुल गांधी कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी आप चुप क्यों हैं? मोदी कह रहे हैं, न वहां कोई हमारी सीमा में घुस आया है, हमारी एक इंच जमीन की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर आप भी एक भारतीय होकर अपने देश के प्रधानमंत्री से यही कह रहे हैं कि चीन के मुद्दे पर आप झूठ बोल रहे हैं, तो ये कहानी आपके लिए भी है। एक था गोलू, एक था भोलू। गोलू ने भोलू से पूछा, तेरे मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमारे देश की एक इंच जमीन पर भी चीन नहीं आया है, तो फिर वापस कहां से जा रहा है? भोलू ने अपने जवाब से गोलू के इस भारी भरकम से दिखने वाले सवाल की हवा निकाल दी। भोलू ने पूछा, तुम्हारे घर के सामने क्या है? गोलू बोला, ये भी बताने की जरूरत है, सामने मेरे पड़ोसी रहते हैं। भोलू बोला, तुम्हारे घर और तुम्हारे पड़ोसी के घर के बीच में क्या है? जवाब मिला, सड़क। भोलू ने फिर पूछा, सड़क का इस्तेमाल कौन करता है? गोलू झल्लाया और बोला, मुझे मालूम था तुम ऐसे ही उलझाओगे, सच नहीं बताओगे। चलो इस सवाल का जवाब भी दे देता हूं, हम दोनों ही उस सड़क का इस्तेमाल करते हैं। भोलू ने फिर पूछा, अगर वो अपनी गाड़ी तुम्हारे गेट के आगे लगा दे तो तुम क्या करोगे? गोलू ने गुस्से में जवाब दिया, उनको बोलूंगा अपनी गाड़ी पीछे लेकर जाएं और अपने घर के आगे खड़ी करें। अब भोलू का पलटवार था, क्या उन्होंने तुम्हारे घर की एक इंच जमीन पर भी कब्जा किया? गोलू बोला, नहीं। भोलू ने तपाक से कहा, अगर उन्होंने तुम्हारे घर की एक इंच जमीन भी नहीं कब्जाई तो फिर गाड़ी कहां से हटवा रहे थे तुम? गोलू के पास कोई जवाब नहीं था। जो लोग भी मोदी जी से पूछ रहे हैं कि चीन अगर हमारी जमीन पर नहीं घुसा तो वापस कहां से जा रहा है, उन समझदारों के लिए ये कहानी तो सटीक है, लेकिन अगर फिर भी कोई समझने को तैयार न हो तो भला आप और हम क्या कर सकते हैं? ऐसे अनजानों को तो अनजान ही बना रहने दीजिए।